नमस्ते बहनों, आज हम थाल पोश बनाने जा रहे हैं। हम थाल पोश बनाएंगे मल्टी कलर में, उसमें ढेर सारे कलर हम ऐड करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बेबी पिंक से हम शुरू कर रहे हैं पहले बनाना। पांच चाय लेनी है, एक चैन तो हमने ये लेके ऐसे कस लिया है जिससे ढीला यहाँ पे ना पड़े। एक दो तीन चार ये पांच। अब यहाँ पे हम लास्ट वाले में ले आके इसमें हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं सिंगल क्रोशिया से। एक दो ये तीन, तीन हमने बना लिया है। अब फिर हम डबल क्रोशिया से लेके इसमें हर फंदे का ऐसे ही बनाते जाएंगे, पूरा ये बना के कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही डबल क्रोशिया से। इसमें एक दो और अभी फंदे ऐड कर लेंगे हम। ये हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पर ले आके सिंगल क्रोशिया इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब तीन चैन लेनी है हमें। अब यहाँ पे हमें मोती बनाना है। पूरे राउंड में ऐसे मोती हम बना लेंगे, इसको पफ भी बोलते हैं। एक दो एक तीन बार। यहाँ पे हम ले आके ज्वाइंट कर दिए हैं, एक चैन ले लिए हैं। अब ये दूसरे वाले फंदा में ऐसे हम बना लेंगे मोती, ये तीन। यहाँ पे हम इसको ले आके फिर ज्वाइंट कर दिए, फिर एक चैन ले लिए हैं। ऐसे ही हमें अब इसमें भी हमें बनाना है। इसमें हर फंदे में जैसे जो यहाँ पे देखिए ए गैप है, ए गैप है, जो फंदे ऐसे हैं सभी में हमको ऐसे मोतियाँ बनानी है पूरे राउंड में। ये पूरा राउंड हमने बना लिया है, लास्ट में हमने एक चैन ले लिया है। अब यहाँ पे ले आके हम सिंगल क्रोशिया इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चैन और हम ले लिए हैं। अब यहाँ पे ऊन इसको हम काट देंगे। अब दूसरा कलर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इन कलर का हमने ऊन लगा लिया है। ये मोती के ऊपर जो ये फंदा है इसमें से हम निकाल लिए हैं। एक चैन दो तीन ये चार, चार चैन हमने ले लिया है। फिर ये दूसरी वाली मोती नहीं है, इसके ऊपर हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से इसको निकाल लेंगे। ऐसे हम चार दो तीन चार, चार चैन लेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरी मोती फिर आ गई इसके ऊपर से हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। ऐसे हम सभी पे देखिए बना लेंगे। पूरा राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया था सिंगल क्रोशिया से। अब हम इस क्रोश से ये जो हमने बनाया था चार चैन का ये फंदे लिए थे हमने, इसमें एक हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया, दो तीन ये चार, चार हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हम ऐसे ही अब इस वाले में कर लेंगे। एक देखिए, एक हमने फंदा ले लिया, फिर एक दो, ऐसे ही हम पूरे राउंड में बना लेंगे सभी को। और जो ऐसा लगे कि अभी चार फंदे हुए हैं, एकाक एक्स्ट्रा अगर लग रहा है तो उसमें डाल देना, मगर वैसे तो लगेगा तो नहीं। ये हमने चार फंदा ले लिया, फिर ऐसे ही हम इसमें कर लेंगे। ऐसे पूरा राउंड बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया से बना के पूरे ही राउंड में कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम बनाएंगे। यहाँ पे हम दूसरा कलर लगा लिए हैं हम, ये डार्क बेबी पिंक। एक चैन दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन हमने ले लिया। अब हम ले आके हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बना के यहाँ पे ज्वाइंट किया था उसी के ऊपर हम जस्ट ये भी सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही चैन आएगा।
एक दो तीन चार पांच छह सात। देखिए ऐसे ही हम पूरे राउंड में कर लेंगे, साथ साथ चैन बना के इसको कर लेंगे। ये हमने पूरा ये चैन बना लिए पूरे राउंड में। अब जैसे हमने इसमें सिंगल क्रोशिया इसमें बुनाई किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। देखो यहाँ पे हमने लास्ट किया था, अब हम क्रोश से ये सिंगल क्रोशिया अब इसमें बुनाई करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः ये सात, सात ये हमने ऐसे बुनाई कर लिया, अब हम इसमें करेंगे। ऐसे ही हम पूरे राउंड में फंदे को बुनाई कर लेंगे। दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए ऐसे हमें पूरे राउंड में चैनों में बुनाई करनी है जैसे हमने ये दोनों बनाया है। ये हमारा पूरा राउंड बन के अब हम यहाँ पे लास्ट कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। एक चैन हम और ले लिए हैं, अब इसको हम काट देंगे उनको। अब हम दूसरा इसमें ऊन लगा लेंगे रेड कलर का। रेड कलर का हमने ऊन लगा लिया है, अब हम तीन चैन लेंगे बनाएंगे, एक दो तीन। अब ये डबल क्रोशिया करके यहाँ पे हम फ्लावर बना लेंगे। एक चैन का हो गया, एक हमने बनाया, फिर ये दूसरा हम बना रहे हैं। ये चार हमारे फ्लावर के हो गए। अब एक दो चैन हमने ले लिया, अब ये डबल क्रोशिया करके यहाँ पे हम एकदम देखिए जस्ट ऊपर ये जो राउंड हमने बनाया है बीचों बीच यहाँ पे हम यहाँ पे ये मोती बनाएंगे, इसको पप भी बोला जाता है मोती। एक हमने यह मोती बनाया, अब एक दो दो चैन ले लिया, फिर इसी में एक मोती और हम बनाएंगे। ये तीन बार हम फंदे में इसे निकाल रहे हैं, मोती हम तीन बार के बना रहे हैं। देखिए अब हम एक चैन ले लेंगे, एक दो दो चैन ले लिए। अब हम यहाँ पे देखिए जब ज्वाइंट जहाँ पे हुई है यहाँ पे जैसे ये फ्लावर बनाए हैं वैसे हम यहाँ पे ये फ्लावर बना लेंगे चार फंदे का। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में बनाना है, कंप्लीट करना है। एक दो दो चैन ले लिया, अब यहाँ पे हम बीचों बीच वही मोती बनाएंगे जो हमने ये वाली बनाई है। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में बना के कंप्लीट करना है। ये अब हमारे यहाँ पे लास्ट हो रहा है, एक हमने चैन ले लिया है, इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे इसको। अब देखिए ये जो है हम ऐसे करके ऐसे घुमा लेंगे और इसको ऐसे करके निकाल लेंगे। अब ये जो फ्लावर था हमारा देखिए ये मुड़ गया है। अब हम एक दो एक तीन तीन चैन ले लिए हैं, अब इसके ऊपर हम यही मोती बनाएंगे। ये तीन बार हमने फंदे निकाल के एक मोती बनाई, फिर एक दो दो चैन ले लिया, फिर इसी में एक मोती और बनानी है। यहाँ देखिए एक दो तीन तीन चैन हमने ले लिया ये। अब हम यहाँ पे ले आएंगे इसको, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए। अब हम फिर इसको एक फंदे ऐसे निकाल लिए हैं, अब इसको ऐसे करके यहाँ से इसको निकाल के ऐसे कर लेंगे और फिर इसको हम फ्लावर को मोड़ देंगे। एक ऐसे मोड़ के
ये दोनों तरफ ऐसे देखिए मुड़ा है और बीच में ए बन गया है, एक अच्छे से सेफ आ जाएगी। अब एक चैन हमने ले लिया, दो, एक, तीन। अब तीन चैन लेने के बाद हम इसके बीचों बीच में ये मोतियाँ बनाएंगे। तीन बार हमने निकाल लिया, तीन बार का हम निकालेंगे, एक दो, दो चैन ले लेंगे, फिर इसी में हम मोती बनाएंगे। ऐसे हमें पूरे राउंड में बनाना है। ये देखिए हमारा लास्ट अभी बंध जाएगा, ये फ्लावर हमने बना लिया है। अब ये हमारा देखिए ये दूसरी लाइन बन के कम्प्लीट हो गया। अब हमारे बीच में ये मोती वाले हैं, ये फ्लावर हमारे, सारे फ्लावर हमारे बंध गए हैं एक दूसरे में। अब यहाँ से हम ये करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने बांध लिया। अब हम एक एक चैन, एक दो चैन, एक तीन चैन, तीन चैन हमने ले लिया। जो हमने बांधा है इसी में से हमें फ्लावर बनाना है, चार फूल का, चार फंदे का एक फ्लावर बनाना है। एक हमने चैन लिया था, दो हमने फंदे बना लिए, तीन हो गए, ये चौथा हमारा फ्लावर ये बन गया। देखिए अब हमें तीन चैन लेनी है, दो, तीन। इसमें हम बना लेंगे मोती, ये बन गया, दो चैन हमने ले लिया। फिर इसमें भी एक मोती और बना लें, डबल हम ये मोती बना रहे हैं एक में, एक, दो, तीन। तीन हमने चैन ले लिया। अब हम यहाँ पे ले आके फ्लावर के बीचों बीच इसको ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए अब इसी पर हम तीन चैन ले लेंगे, एक, दो, तीन। अब ऐसे ही जैसे हमने ये फ्लावर बना लिया वैसे इस पे हम फ्लावर बना लेंगे, ये चार फंदे का फ्लावर बनाएंगे। एक चैन का हो गया, एक, दो, तीन, ये चार, एक, दो, तीन। चैन हमने ले लिया, ये डबल क्रोशिया कर लिया ये मोती के बीच में, फिर हम दो मोतियां यहाँ बना लेंगे। ऐसे ही पूरे राउंड में बना लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे हमने तीन चैन ले लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन लगा ले रहे हैं, फिर इसके आगे हम बनाना शुरू करेंगे। पीला कलर का ऊन लगा लिया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात चैन हमने ले लिया है। ये टाइट से चैन हमने लिया है, फिर हम ये जो फ्लावर बनाए थे बीच में तीन चैन लिए थे उसी में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब एक, दो, तीन, तीन चैन हम लेंगे, डबल क्रोशिया करके हम मोती वही बना लेंगे जैसे हम ये बना रहे थे मोती, वैसे बनाते हम सेम, ये हमारा पैटर्न एकदम सेम जाएगा। फिर एक, दो चैन लेना है हमें, फिर एक मोती बनानी है। अब एक, दो, तीन, तीन चैन हमने ले लिया। अब हम नीचे ले आके यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पे हम सात चैन लेंगे, एक तो हमने ले लिया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात हमने चैन ले लिया। अब हम फिर यहाँ फ्लावर के जो तीन चैन लिए थे यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक, दो, तीन चैन ले लिया, फिर यहाँ पे हम मोती बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे हम पूरे राउंड में बना लेंगे। जो हमने लिया था सात सात चैन, ये हमने बना के लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा लाइन यहाँ पे चालू कर दिए हैं। अब देखिए हमने दो चैन लिया था, एक हमने तीन, तीन चैन हमारा हो गया। अब हम फिर यहाँ पे ही जो हम तीन फंदे लेते हैं, तीन चैन लेते हैं उसी में हम ले आके ज्वाइंट कर लिए हैं।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैनों चैन का ऐसे करके हम सिंगल क्रोशिया बुनाई कर लेंगे चैन में। ये 2 3 4 5 6 ये 7, ये 7 हमारा आ गया। 1 2 यहाँ पर नहीं, हम इसको ले आके हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया पहले ज्वाइंट कर दिए। अब 1 2 3 तीन चैन ले लेंगे, फिर वैसे ही मोती हम बनाएंगे। एक दो दो चैन लिया, फिर मोती बनाएंगे। ये जो चैन हमने लिया है इसमें हमको सिंगल क्रोशिया ऐसे बुनाई करनी है। देखिए हम इधर बना लिए हैं, ऐसे ही हमको पूरा राउंड बना के कंप्लीट करके अगला राउंड फिर हमको चैन लेना होगा। ये लाइन हमने बना के राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से हमने 1 2 2 चैन ले लिया है, 3 4 5 6 7 7 चैन हमने ले लिया। अब हम फिर यहाँ पे ले आके ज्वाइंट कर देंगे। जो हम 3 चैन लेते हैं उसी को हम उसी के बीच में हम ज्वाइंट कर लेते हैं इसको। फिर हमें 3 चैन लेना है, 2 हमने ले लिया 3। अब फिर यहाँ पे वही मोती एकदम सेम बनाई जाएगी। एक दो तीन चैन लेंगे, फिर हम यहाँ पे ले आके फिर नीचे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 7 चैन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 7 चैन हमने ले लिया। फिर हम यहाँ पे ले आके ज्वाइंट कर लेंगे इसको। 1 2 3 तीन चैन लेके फिर हम ऐसे मोती बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। अब फिर उसके बाद हम अगले राउंड में आएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया से जैसे इसके ऊपर मैंने चैन के ऊपर फंदा बुनाई किया है ऐसे हम बुनते आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमने ये 4 लाइन येलो कलर का बनाया, फिर उसके बाद 4 लाइन ग्रीन कलर के बनाया। 2 ये बीच में आया है येलो कलर का, 2 ग्रीन कलर का। अब हम लगाएंगे डार्क बेबी पिंक, और इसमें हम क्या ये भी हम 4 ही लाइन बनाएंगे। बेबी पिंक हमने लगा लिया है ऊन, देखिए 1 चैन 2 3 4 5 6 7 1 8। इस बार हम 8 चैन ले रहे हैं। थोड़ा हमारा ये अब यहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा है, इसलिए 7 चैन बंधेगा। अभी तक तो हमने 7 चैन लिया था, अब हम सेम वैसे ही बनाएंगे 3 चैन। ये 3 चैन हमने बना लिया, यहाँ पे हम मोतियाँ बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे हमने नीचे बताया था पहले आप लोगों को, वैसे ही ये पूरा बनेगा। 2 चैन हमने ले लिया, फिर 1 मोती बनाएंगे। दो तीन तीन हमने चैन ले लिया। अब हम ले आके यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इसको। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन हमने ले लिया। अब हम फिर ले आएंगे जहाँ पे हमने ये 3 चैन लिया था, यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। देखिए 8 चैन लेने के बाद ये बराबर आ रहा है। अगर हम 7 चैन यही लेते तो वो सिकुड़ने लगता। अब ये देखिए बहुत बहने हैं दौरा पर के या बड़े थाल पोस बनाती हैं, इसलिए हमने ये जो 2 फ्लावर यहाँ पे बैठाया था, जब ऐसे बनाते और आगे बनाते जाएंगे तो थोड़ा गैप बढ़ने, यहाँ पे ज़्यादा गैप ऐसे होने लगेगा। फिर यही 2 फ्लावर जैसे हमने यहाँ पे बैठाया है वहाँ पे बैठा देंगे, उसके आगे बुनाई ऐसे ही चैन का करते चले जाएंगे। तो आपका गैप भी नहीं ज़्यादा आएगा और ये पैटर्न बनता चला जाएगा, इसलिए हमने ये 2 फ्लावर यहाँ पर शुरू में बैठाया था। बाकी जैसे हमने अब ये चैन के
बाद हम वापसी राउंड आएंगे तो जैसे सिंगल क्रोशिया से हमने बुनाई किया था, पहले बताया था आपको, वैसे ही बनेगा। हम अभी चार लाइन इसको बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम ये दो लाइन बना के कंप्लीट कर लिए हैं और हमें लग रहा था ये आठ चैन यहाँ पे हम बैठा रहे थे तो हमें खूब टाइट लग रहा था, हमारा ये सिकुड़ने लगा था, तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों को बता दें कितने चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 पे कर रहे हैं तब भी ये थोड़ा पकड़ेगा, इसीलिए 10। अगर आप लोगों का टाइट या जैसे भी बुनाई हो या लूज होगी, अगर 9 पे आराम से बैठ जा रहा है तो 9 ही करना, नहीं तो 10, ये 10 ही बनेगा। इसको हमने 10 चैन ले लिया है, फिर 3 चैन लेंगे और फिर ऐसे करके इसमें हम मोतियाँ बनाएंगे जैसे हमने पहले बताया था वैसे करके। अभी हमें दो लाइन हमने बना लिया है, ऐसे ही दो लाइन और हम बना लेंगे तब हम आपको दिखा रहे हैं। 10 चैन हमने लिया था, ये हमने नहीं बताया है, इसको पूरा ये सिंगल क्रोशिया से पूरा ढकना होता है। अभी पहले 7 चैन लेते थे, अब इसमें देखिए हम 1 2 3, मतलब पूरा इसको ढकना होगा, 4 5 6 7 8 9 10, 11 11 हमने ले लिया है, ये पूरा अब ढक गया है। अब इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, सिंगल कुर्सियाँ इसको ज्वाइंट कर लेंगे, 3 चैन लेने के बाद मोती बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। अब ये हमारा, हमको इतना ही बड़ा बनाना है, जैसे आप लोगों को बड़ा और बनाना है तो इसके ऊपर आप लोग बनाते चले जाएं, और ये हम इतना ही बड़ा बनाएंगे। अब इसके आगे हम चैन बना के इसकी झलरियाँ लगा लेंगे, 1 2 3, ये 3 चैन लेके हम यहाँ पे ले आके इसको ज्वाइंट कर देंगे। अभी हमारा देखिए पूरा ये बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे राउंड में झलरियाँ इसकी चैन बना के झलरी लगाएंगे। अभी हम चैन बनाना आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए हमने रेड कलर का ऊन लगा लिया है, अब हम इतना ही बड़ा थालपोस बनाएंगे। इसके आगे हम चैन बनाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे हम 10 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, एक हमारा निकल गया था तो मैंने ले लिया। अब हम यहाँ पे ले आके सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे इसको, चैन को, ये देखिए ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 चैन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 1 11 11 हम चैन ले लिए हैं। अब इतनी दूरी के गैप में 1 2 3 4 5 5 फंदे के गैप में हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इसको भी ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। यहाँ पे हम जब लेंगे तो 11 चैन ले लेंगे, जब हम यहाँ पे आएंगे जैसे अब यहाँ पे ले आके यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो 10 चैन ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा, यहाँ पे ऊंचा ज़्यादा है ना, ज़्यादा लंबाई थोड़ा नीचा है, इसलिए हम 1 चैन ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन लेके हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दे रहे हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे 5 फंदे पे हम ज्वाइंट करेंगे इसको, नहीं तो ज़्यादा ये दूरी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दे रहे हैं, ऐसे ही हम पूरे राउंड में बना लेंगे। देखिए हमने डबल चैन बनाना शुरू कर दिया है, हमने ये आपको नहीं बताया था कितने चैन हम दूसरे वाले में लिए हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं।
यहाँ पे हम कितने चैन ले रहे हैं, हम चैन ले रहे हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, 12 चैन हम ले आके अभी इसमें ऐसे करके बराबर करके ज्वाइंट करेंगे जिससे इधर उधर ना हो। अब ये हमारा बन के क्लियर हो गया है। देखिए ये हमने सभी चैन को बना लिया है। अब हम इसमें फुलरा लगाएंगे, फुलरा लगाएंगे ऐसे जैसे हम यहाँ पे 4 अंगुल फैला लिए हैं, इतना ज़्यादा फैला लिए हैं ऐसे। 1 2 राउंड हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, 9 आधा ही हम बनाए हैं, ये पूरा राउंड नहीं लिए हैं। ये 9 हमने ये बना लिया। अब इसको हम यहाँ पे ले आके इसको बराबर कर लेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे बराबर कर लिए। इसमें हम रंग बिरंग की झलरियाँ भी लगाएंगे। इसको हमने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे हम ऐसे घुमा के इसको बांध देंगे। बगैर झलरी के थालपोस अच्छी ही नहीं लगती है। कोई व्यूअर्स हमसे बोले थे कि हमको थालपोस पूरा मैम बनाते हुए दिखा, वीडियो डालो, थालपोस के उतना व्यू हमारे में नहीं आता है, इसलिए मैं ज़्यादा थालपोस नहीं बनाती हूँ। और ऐसे करके इस झलरी को काट देना है। देखिए कितना ये सुंदर झलरी लग रही है। अगर ये हमारे थाल पोस की वीडियो आप लोगों को पसंद आया करे तो जरूर कमेंट किया करें और बताया करें, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको पूरा बताएंगे आप लोगों को, क्लियर करेंगे। और अगर आप लोग कमेंट करके बोलते हो तो हमको ये लगता है कि हाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से वीडियो डालूं। और जिस टाइप का आप लोग थालपोस बोलेंगे अगर कमेंट में, तो हम उस टाइप के थालपोस बना के आप लोगों को दिखाएंगे। सारी झलरियाँ हमारी लग गई हैं। देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल में जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करना। और हमारे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।